जो आपने शुरू में वीडियो देखा, आज हम वो इफेक्ट बनाने वाले हैं। तो ये मेरा वीडियो है, यहाँ पे मैंने उसे लोड कर दिया अपने आफ्टर इफेक्ट में। वीडियो कुछ इस तरह से मैंने बनाया है। तो इसके अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपना इफेक्ट। वीडियो को पायलट का ये प्लगइन है सेबर, इसे हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। हम एक लेयर बना के इस पर सेबर डाल देता हूँ। तो ये टाइप से लाइन होती है, जो कि अगर आपने स्टार वॉर्स या कुछ देखा होगा कोई मूवी, तो उसके अंदर आपने ये ज़रूर देखी होगी। तो आप वो सीन भी बना सकते हो। जिन जिन ने कोर्स ज्वाइन किया है उनके लिए फेसबुक के प्राइवेट ग्रुप के अंदर मैंने इसका ट्यूटोरियल भी बना के दिया है कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है उस तरीके का एनिमेशन बनाने के लिए। तो आने वाले टाइम में हम लोग इससे कुछ और भी बनाएंगे, लेकिन आज के लिए हम लोग इसमें कुछ बनाएंगे इस वीडियो के साथ। तो मेरा वीडियो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे इफेक्ट को बनाने के लिए एडजस्टमेंट लेयर को मैं यहाँ पे इसे ऐड कर लेता हूँ, और इसे यहाँ पे, अब जैसे इसका हाथ खुलता है मुझे इसे एनिमेट करना है। यहाँ पे मेरे पास को स्टार्ट और को एंड है, इसके ऊपर मैं की फ्रेम लगा देता हूँ, और जब ये खुलना शुरू होते हैं, मतलब कि यहाँ से ये खुलना शुरू होते हैं, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। या तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है अपनी वीडियो के ऊपर, और यहाँ पे इसे ट्रैक करना है। अपने ट्रैकर पे आप जाओ, यहाँ पे ट्रैक मोशन पे क्लिक कर दो, तो ट्रैक पॉइंट आ जाता है। और उसके साथ एक और हमें चाहिए, जो कि है रोटेशन। तो मेरे पास दो ट्रैक पॉइंट आ जाएंगे। मैं जस्ट ऐसे ही दो ट्रैक पॉइंट ले लेता हूँ, इसके नेक्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ, और इसे थोड़ा मैन्युअली एनिमेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लर है, इसलिए वो उसे ट्रैक नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा ब्लर है। तो अभी ये उसे अच्छे से ट्रैक कर रहा है, तो मैं इसे फॉरवर्ड ट्रैकिंग पे ऑन कर लेता हूँ। जितना ही कर सकता हूँ उतना मैं इसे करने देता हूँ। अब देखो, जहाँ पे ये बंद हो रहा है वहाँ पे इसने ट्रैक पॉइंट छोड़ दिया। तो जहाँ पे ये बंद हो रहा है मैं वापस वहाँ पे जाता हूँ इस ट्रैक पॉइंट के बाद, यू प्रेस करता हूँ अपनी लेयर पे, तो मेरे सारे की पॉइंट्स यहाँ पे आ जाते हैं जो मेरे ट्रैकर के हैं। तो इन्हें मैं आगे से यहाँ से डिलीट कर देता हूँ पकड़ के। उसका जो नेक्स्ट शॉट होगा वो आएगा यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक की फ्रेम्स यहाँ पे लग जाएंगे। तो देखो, अभी ये इतना ट्रैक मैंने कर लिया है, इसके ऊपर मैं वो सेबर का इफेक्ट लगाने वाला हूँ जो मैं मैन्युअली यहाँ से कर रहा था, उसे मैं अब इसके साथ करूँगा। तो पहले तो मैं दो नल पॉइंट बना लेता हूँ, नल वन और नल टू। मैं बोल देता हूँ इसे कि ये हैंड वन है और ये हैंड टू है। अब इसके कोर स्टार्ट और कोर एंड, इनको मैंने इसे अटैच करना है। तो पहले तो इस ट्रैक पॉइंट्स के अंदर मैं जाता हूँ। अब देखो, आपको यहाँ पे सिलेक्ट क्या करना है, ट्रैकर। मेरे पास यहाँ पे एक ही ट्रैकर है, लेकिन मुझे दो अलग अलग से ट्रैकर चाहिए। तो आप देख सकते हो ट्रैकर वन के अंदर दो ट्रैक पॉइंट्स हैं, ट्रैक वन ट्रैक टू, जिसके अंदर मैंने सारा की फ्रेम लगाया हुआ है। तो आपको इसे डुप्लीकेट करना है, तो आपके पास दो ट्रैक पॉइंट्स आ जाते हैं। तो अब इन दोनों में से अगर आप इन्हें खोलें, तो दोनों में सेम ट्रैक पॉइंट्स यहाँ पे हैं। तो आप एक एक दोनों में से डिलीट कर दो, जैसे कि ट्रैक पॉइंट टू मैं ट्रैक वन से डिलीट कर देता हूँ, ट्रैक पॉइंट टू से मैं ट्रैक वन डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास अभी दो अलग अलग ट्रैक पॉइंट्स आ गए हैं। इससे होगा क्या, आप जब अपने ट्रैकर में जाओगे तो आपके पास करंट ट्रैक के अंदर ट्रैक वन ट्रैक टू अलग अलग से आ जाएंगे। तो अब आपको करना क्या है, आप यहाँ पे जाओ, ट्रैक टाइप ट्रांसफॉर्म कर दो, रोटेशन यहाँ से हटा दो, और इसे आप यहाँ से डिलीट कर दो। ट्रैक वन यहाँ पे सिलेक्टेड है, ट्रांसफॉर्म ट्रैक टाइप है, एडिट टाइप में कर देता हूँ हैंड वन। तो ये मेरा हैंड वन मैं रखना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं इसे सेट कर लेता हूँ। हैंड वन को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, हैंड टू को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ओके, तो अभी वापस जाता हूँ मैं इधर, और एडिट टारगेट में मैं हैंड वन सिलेक्ट करके ओके, अप्लाई एक्स वाई क्लिक कर देता हूँ। अब ये इसके साथ अटैच हो चुका है, आप देख सकते हो ये मेरा नल पॉइंट अटैच हो चुका है। दूसरे के लिए भी मैं सेम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ट्रैक टू मुझे सिलेक्ट करना है, यहाँ से ट्रैक टाइप ट्रांसफॉर्म में, और एडिट टारगेट एच टू में, ओके, अप्लाई कर देते हैं। तो अब ये दोनों उस पर अटैच हो चुके हैं। अब आपको ये डेटा चाहिए या नहीं चाहिए वो आपके ऊपर है, ये ज़रूरी नहीं है। अभी ट्रैकर पॉइंट को मैंने इसके ऊपर ले आया हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे पोजीशन के ऊपर सारा कॉपी हो चुका है इसका डेटा। अब मुझे इसे कोर स्टार्ट और कोर एंड को इसके साथ लिंक करना है। वैसे तो अगर आप आफ्टर इफेक्ट चलाते हो तो आपको पता है कि लिंक ऑप्शन यहाँ से होते हैं, और आपकी प्रॉपर्टीज़ के साथ भी लिंक ऑप्शंस यहाँ से होते हैं। तो अगर आप इसे इस तरह से लेके जाते हो यहाँ पे, तो देखो क्या होता है, ये उसके साथ अटैच हो जाता है। सेम चीज़ आप कोर एंड के लिए आप इसे यहाँ पे लेके चले जाओ, तो ये ऑटोमेटिक इससे अटैच हो जाएगा। अब देखो,
तो अब देख सकते हो आप, अब ये हैंड के साथ अटैच हो चुका है, कुछ इफेक्ट हमारा इस तरीके से बन चुका है। लाइट सेबर एक फ्री प्लगइन है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसे डाउनलोड करने के लिए। ये वीडियो को पायलट का फ्री प्लगइन है और इससे काफ़ी अच्छी चीज़ें आप लोग बना सकते हो। अब देखो मैं इसके प्रीसेट्स जो है वो अगर मैं चेंज करूँ यहाँ से, तो यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रीसेट्स मुझे मिल जाते हैं। जो भी आपको चाहिए आप वो यहाँ पे सेट कर लो। जैसे कि मुझे ये वाला सही लग रहा है, मैं ये वाला रख लेता हूँ। और इसका डिस्टॉर्शन, ग्लो डिस्टॉर्शन कितना होना चाहिए, ये देखो, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हो। स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितना, तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करता हूँ अभी जैसा मुझे चाहिए। अब दो और चीज़ें देखनी है हमें, वो है डिस्टॉर्शन। लाइक मैं इसके ऊपर एक डुप्लीकेट कर देता हूँ अपनी वीडियो को, उसके ऊपर मैं लगा देता हूँ डिस्प्लेस इफेक्ट, टर्बुलेंस डिस्प्लेस मुझे इस पर लगाना है डिस्टॉर्ट के लिए। और इस तरीके से कुछ यहाँ पे होगा। अब इसका एवोल्यूशन देखो कुछ इस तरह से चलता है। तो ये बहुत ज़्यादा है अमाउंट, में थोड़ा कम कर लेता हूँ और इसे मैं एनिमेट कर लेता हूँ। यहाँ से ये होना शुरू होगा, यहाँ पे ये ज़ीरो है, यहाँ पे जाके ये बढ़ जाएगा और ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। कुछ मैं इतना सा कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, अमाउंट थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा व्हीकल दिखे भी। साइज़ मुझे कम करना है, बहुत कम व्हीकल चाहिए, स्मोक का व्हीकल जो होता है वो मुझे चाहिए। तो अभी आप देख पा रहे हो थोड़ा बहुत व्हीकल यहाँ पर हो रहा है, अमाउंट में बढ़ा देता हूँ ताकि और अच्छे से ये दिखे। अब देखो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे व्हीकल। जब ये कंप्लीट हो जाएगा आप ये ट्रैकर पॉइंट्स यहाँ से डिलीट कर सकते हो, मोशन ट्रैकर को इसका ज़रूरत नहीं है। और इसे मैं मास्क कर लेता हूँ, इतना हिस्सा इसका मास्क कर लेता हूँ। मास्क करने के बाद थोड़ा फायदा कर लेते हैं, स्मूथली ये लगे। तो यहाँ से पहले विगल नहीं होगा तो मैं इसका ओपासिटी यहाँ पर कम कर लेता हूँ स्टार्टिंग में, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वहाँ से सिर्फ रखेंगे, स्टार्टिंग में ओपेसिटी ज़ीरो होगा। तो यहाँ तक विगल नहीं है, उसके बाद जैसे ये होता है उसके बाद ये विगल होना शुरू होता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, आप देखो ये थोड़ा यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो रहा है तो मुझे इसे चेंज करना है, मुझे इसका पोजीशन चेंज करना है। ये इसका पोजीशन है और इसका अमाउंट भी कम करना है, बहुत ज़्यादा मैंने कर दिया आपको दिखाने के लिए। और टर्बुलेंस के अंदर आप लोग इसे ट्विस्ट भी कर सकते हो, जिसके अंदर ये ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगा। कई सारी चीज़ें स्मूदर अगर आपको करना है, स्मूदर आप कर सकते हो क्योंकि उससे काफ़ी स्मूदली ये होगा। और बाकी आप इसे एनिमेट भी कर सकते हो इस सेबर को, ये आपके ऊपर है कम्प्लीटली आप इसे कैसे एनिमेट करते हो। मैंने तो इसे वैसे ही कर दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए, दोनों तरफ से मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ इसे। तो इस तरीके से ये होता है। तो लाइट सेबर आप यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। और अब हमें कुछ और चीज़ें देखनी है, जैसे कि इसका बैकग्राउंड चेंज करना है या कुछ करना है, तो वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसे प्री कम्पोज कर लेता हूँ इन दोनों को। तो ये है मेरा फुटेज, बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है। तो वैसे तो मैं की ऑप्शन के अंदर जाके की लाइट का यूज़ करता हूँ, लेकिन हम लोग रेड जाइंट के सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। रेड जाइंट एक प्लगइन है आफ्टर इफेक्ट के लिए, VFX प्लगइन है, इसके अंदर बहुत सारे VFX होते हैं। और धीरे धीरे हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर रेड जाइंट के प्लगइन्स के बारे में भी देखेंगे। बहुत ही अच्छा प्लगइन है आपके VFX को बनाने के लिए। देखो जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे हैं, मैजिक बुलेट के अंदर आप लोग कलर लुक, कलर करेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, रिफ्लेक्शन है। तो मैं प्रिमीटर कीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैं फुटेज के ऊपर इसे लगा देता हूँ और इसे सोलो कर देता हूँ। फुटेज सोलो करने के बाद इसके ऊपर आप देखो यहाँ पे ऑटो की डिफाइन होता है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिक कुछ की डिफाइन कर लेता है और ग्रीन्स को यहाँ से हटा देता है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इसे वापस लेके आना है। तो आप इसे इस तरीके से इस पर लेके जा सकते हो, जहाँ जहाँ पर आप इसे लेके जाओगे वहाँ पर फिर से ये देखो कुछ इस तरह से अभी ये बन गया है। यहाँ पे जो कि इसका ओरिजिनल फुटेज कुछ इस तरह से था वो अभी ऐसा दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसे अभी और भी सही कर सकते हैं। इसका अंदर देखो स्पिल करेक्शन कुछ ज़्यादा हो गया है, इसके लिए कुछ ऐसा दिख रहा है। ग्रीन स्क्रीन थोड़ा और हटाना है तो मैं यहाँ पे इसे और ऐड कर लेता हूँ, थोड़ा सा और ऐड कर लेता हूँ। तो ये ग्रीन स्क्रीन के लिए बहुत ही अच्छा टूल है। देखो कितने अच्छे से इसने ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर दिया है। जो भी शॉट्स हैं आप इससे आराम से कर सकते हो और अच्छे से ये करता है ग्रीन स्क्रीन रिमूव। तो मेरे वीडियो फुटेज के अंदर से देखो ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुका है। अब इसके पीछे मैं कोई बैकग्राउंड लगा सकता हूँ, सोलो में हटा देता हूँ। तो लाइटिंग अब आप देखो कैसी हो रही है, जस्ट मैंने एक बैकग्राउंड ऐड कर लिया है। अब देखो इसके पहले भी ये आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसे ज़ीरो कर सकता हूँ अपने
मैं इसे अनेबल और डिसेबल पे एक की फ्रेम लगा देता हूँ। तो यहाँ तक, वैसे तो मैं इसे यहाँ से जाके एडिट में स्प्लिट लेयर कर देता हूँ और यहाँ से पहले इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये इसके बाद यहाँ से आएगा। थोड़ी और लाइटिंग अगर मुझे चाहिए अपने फेस के ऊपर, तो मैं अपनी फुटेज पे जाता हूँ फिर से। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा कलर करेक्शन करना है, तो जहाँ पे मैंने टर्बुलेंस डिस्प्लेस लगाया है, मैं वहाँ पे मैं कलर करेक्शन पे जाता हूँ, कलर बैलेंसेस पे लगा देता हूँ। अब मुझे ये भी देखना है और अपना दूसरा कॉम्पोजिशन भी देखना है, तो मैं कॉम्पोजिशन पे यहाँ पे न्यू कॉम्प व्यूअर पे जाता हूँ। मेरे पास दो कॉम्प व्यूअर आ जाते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने पहले कॉम्प पे, जहाँ पे ये फाइनल कॉम्प है। यहाँ पे आप देखो, ये लॉक हो रखा है यहाँ पे लेयर, कॉम्पोजिशन लॉक्ड है, तो मतलब ये यहाँ पे लॉक ही रहेगा। फिर आप यहाँ से यहाँ वहाँ जा सकते हो, जो कि वर्किंग एरिया है। तो इस टाइम पे हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका कलर थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, तो देखो यहाँ पे इसके लाइटिंग यहाँ पे बढ़ जाएगी। ये देखो, अब ये जो मास्क है मेरा, ये थोड़ा यहाँ बाहर तक है, इसलिए वो वैसा हो रहा है, इतनी लाइटिंग जा रही है। तो मैं इसे मास्क को भी थोड़ा एडिट कर सकता हूँ, लाइक मैं इसे यहाँ से बाहर नहीं जाने दूँगा। वैसे तो ग्रीन स्क्रीन अगर मैंने हटा दिया तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है, तो मुझे या तो परिमीटर की जो मैंने की ऑप्शंस लगाए हैं उसके अंदर थोड़ा सा और उसे बढ़ाना पड़ेगा, और या तो यहाँ से ही मुझे उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे शेडोज़, रेड शेडोज़ को यहाँ पे पकड़ता हूँ, जब भी आ जाएगा तो ज़ीरो होगा, ज़ीरो। देखो यहाँ पे नॉर्मल है, तो जैसे ही आएगा वैसे ही लाइट यहाँ पे आ जाएगी, ताकि जो मेरा इफ़ेक्ट है थोड़ा रियल लगे। अब देखो लाइटिंग यहाँ पे जब आ रही है, तो इसके फेस पे भी लाइटिंग वैसी ही आ रही है। और ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्या आपको चाहिए। आप इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देखो या आप यहाँ से हटा सकते हो। तो मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है शॉट। मैं अभी इसका ये ब्लू कलर का मैंने पहना जो है, इसे मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लगाता हूँ चेंज टू कलर, अगर ये काम करता है तो। ये देखो मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने भी इसे रेड कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसका ह्यू बढ़ा देता हूँ, ताकि ये और जितना भी ब्लू पार्ट है मेरा वो भी उठा ले। मेरा ब्लू कलर का था वो रेड हो चुका है। मैं इसे चाहूँ तो इसे ब्लैक भी कर सकता हूँ, ह्यू लाइटनेस जब मैं ये चेंज करता हूँ इस तरीके से। यहाँ से आपको चेंजेस करने हैं तो आप इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, लाइटनेस इस तरीके से। अब देखो जो मैंने ब्लू पहना था वो ब्लैक हो चुका है, और ये बहुत ही अच्छा एक शॉट लग रहा है। थोड़ा यहाँ पे अभी प्रॉब्लम है, देखो सॉफ्टनेस आपको बढ़ानी है और ह्यू थोड़ा कम करना है। तो इस तरीके से कुछ ये यहाँ पे अभी हो रहा है देखो। तो मैं जो इसकी एजिस है उसे रिफाइन करने के लिए चोकर लगा देता हूँ। मैट चोकर मुझे लगाना है, तो वो उसे थोड़ा सा काट देगा। थोड़ा और इसे यहाँ से बढ़ा देता हूँ, देखो अभी उसने वहाँ से अच्छे से काट लिया है। थोड़ा और चोक कर लेता हूँ, तो ये देखो अभी काफ़ी हद तक इसने उसे यहाँ से काट लिया है। मेरा शॉट कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे अभी दिख रहा है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखी है अभी, ये देखो। तो ये हुई है चोकर की वजह से। यहाँ से मैं अपनी लेयर को स्प्लिट कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं है आपको एक इफेक्ट एक ही लेयर पे लगाना है, मैं इसे स्प्लिट करके यहाँ पे इतनी जगह पे मैं चोकर बढ़ा भी सकता हूँ। थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ ताकि ये भी यहाँ से कट जाए, तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ये देखो अभी यहाँ पे ये जो ये तरीके से ये कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो आपको इसे ऊपर वाली लेयर को बढ़ाना है और इसका ओपासिटी जो है वो यहाँ से इस तरीके से कर देना है, ताकि वो वैसे बढ़ जाए। ओपासिटी जितना धीरे धीरे बढ़ेगा उतना आपको पता नहीं लगेगा आपके ऑडियंस को, या तो जब ये यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है उतना टाइम हमारे पास है इसे बढ़ाने के लिए। तो इसके बाद ये देखो सीन कुछ इस तरीके से हो गया है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं चेंज टू कलर में, ये भी मैं बढ़ा देता हूँ। ये थोड़ा इफ़ेक्ट अच्छा लग रहा है अभी, इसने मेरे मुंह के ऊपर भी थोड़ा सा कर दिया है, तो ये कुछ अच्छा लग रहा है इफ़ेक्ट। तो मैं इसे फुल वीडियो के अंदर ही कर लेता हूँ। मुझे इसे कॉपी करना है और इसके ऊपर जाके पेस्ट कर देना है, तो ये अपने आप सेम हो जाएगा। तो ये इफ़ेक्ट कुछ मैंने इस तरीके से यहाँ पे अभी बना दिया है। कुछ हॉरर इफ़ेक्ट अगर आपको बनाने हैं तो आप वो इस तरीके से बना सकते हो। और जब ये यहाँ पे जाता है, इसके बाद ये यहाँ पे गायब करना है मुझे। वैनिशिंग मैं इस पर बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसे वैनिश का बना लेता हूँ यहाँ पे। अगर आपको रेड जैन डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो,
जैसे कि इसमें ट्रैप कोड सूट है जिसके अंदर काफ़ी सारे इफेक्ट्स हम लोग बना सकते हैं। यूनिवर्स के अंदर काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं जैसे कि ये चीज़ें हैं, आप ये चीज़ें कर सकते हो। वीएफएक्स सूट के अंदर ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, शेडोज, स्पॉट क्लोनर और ऑप्टिकल ग्लो जैसी चीज़ें। शूटर सूट के अंदर आप लोग ब्लूर लाइट्स का यूज़ करके सिंक कर सकते हो ऑडियोज़। इंस्टेंट 4K में आप चेंज कर सकते हो अपनी वीडियो को, फ्रेम्स को, फ्रेम रेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, कलर आप कर सकते हो, रिनॉइस आप कर सकते हो, अपनी फिल्म फुटेज को रिनॉइस अगर करना चाहो वो कर सकते हो, फिल्म्स के लुक्स को कैसे बनाना है वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं नॉल फैक्ट्री यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैं डिज़ाइनर के अंदर अगर जाता हूँ तो मेरे पास ये लाइटिंग यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पे कुछ सारे प्रीसेट्स भी हैं जिनका यूज़ हम लोग कर सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए। तो मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ फ्लेयर्स दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इन स्क्रीन्स का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि जैसे ये बनता है तो ये यहाँ पे मैं कर सकता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये इफ़ेक्ट कुछ इस तरह से बन गया है। जब ये हाथ बंद करता है तो इसके अंदर मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ कुछ इफ़ेक्ट, जिसकी वजह से ये यहाँ से गायब हो जाएगा। मेरे पास ये मज़ल फ्लैशेस हैं, तो मैं जैसे कि ये फ्रंट मॉड्यूल यहाँ पे डाल देता हूँ इसके ऊपर, और इसे यहाँ पे इसका मोड ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे ही ये यहाँ पे इसे कंप्लीट करता है इस तरह से, तो ये यहाँ पे ऐसे ब्लास्ट होगा, फुल स्क्रीन ब्लास्ट कर देते हैं इसे, और इसे मैं पिक्सल पॉली इस पर लगा देता हूँ। इनबिल्ट इफेक्ट है पिक्सल पॉली, और इसका स्टार्ट टाइम मुझे यहाँ पे सेट करना है। टाइम आप यहाँ पे देख सकते हो 10, ये है 10:03, तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो 10 या 10 से कम थोड़ा सा, ताकि यहाँ पे टूटना शुरू हो जाए। फोर्स कितनी चाहिए वो आप बढ़ा सकते हो, और आपको कितनी ग्रिड स्पेसिंग चाहिए, जितनी कम होगी उतने ज़्यादा पार्टिकल्स इसके बनेंगे। मैं कम से कम 2 रखता हूँ, कैसा चाहिए पॉलीगन्स में बना देता हूँ इसे। तो इस तरीके से यहाँ पे गायब भी हो जाएगा। तो इसके अंदर हम लोगों ने यूज़ किया प्रिमीटर की रेजेंट से, जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए। बहुत ही स्मूथ ग्रीन स्क्रीन ये हटाता है, और काफ़ी अच्छे से इसने हटा दिया। अगर आपका ग्रीन स्क्रीन फुटेज अच्छा नहीं है तब भी ये काफ़ी अच्छे से वो उसे हटा देता है। तो इस तरीके से आप लोग बनाते हो एक इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट के अंदर। बाकी आप इसके ऊपर अभी कलर करेक्शन कर सकते हो, अगर आपको बैकग्राउंड के साथ उसे मैच करना है तो आप जा सकते हो रेजेंट के मैजिक बुलेट में। इसके अंदर आप बहुत सारे लुक्स, फिल्म्स, डिनोइसर, कॉस्मो, इन सब का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं लुक्स लगा देता हूँ इस पर एक एडजस्टमेंट लेयर पे सबसे ऊपर, और इसके एडिट में जाता हूँ। एडिट के अंदर आप देखो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसके अंदर आप बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स बना पाओगे। यहाँ पे आप लोग इफेक्ट्स बना सकते हो, जैसे कि ये अभी है, अगर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखो मेरा इफेक्ट अभी कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन गया है। अब मैं चाहूँ तो इसकी आँखों के अंदर भी ये बना सकता हूँ, आँखों को भी कुछ अलग कलर कर सकता हूँ। सिर्फ आपको ट्रैक करना है और उसके अंदर आँखों में कुछ डाल देना है। ज़रूरी नहीं है आपको इस तरह से कलर करेक्शन करनी है, आप अपना वीडियो शूट करो, लाइट सेबर का यूज़ करो, ये बिल्कुल फ्री प्लगइन है वीडियो को पायलट से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स सीखना है शुरू से और ये सारी ट्रिक्स सीखनी है तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो जो ये कोर्स कर रहे हैं उनके लिए मैं काफ़ी पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर हम लोगों ने ये चीज़ें की थी। वीडियो को पायलट एलिमेंट 3D के ऊपर और रेड जाइंट सूट के इन सारे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, ट्रैप कोड के ऊपर जिसके अंदर आप बहुत सारे इफेक्ट्स बनाते हो और VFX बनाते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो डालने वाला हूँ। और भी जो भी चीज़ें आपको सीखनी है आप कमेंट करो, हम धीरे धीरे वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। एक साथ से नहीं हो सकता है कवर, तो हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो FX मंडियार, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।